आज मैं बनाऊंगी ढाबा स्टाइल तड़का। पहले ये बताती हूँ, जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों के लिए थैंक यू। आज मैं बनाऊंगी तड़का दाल। तड़का दाल में रखी हूँ बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया पत्ता, टमाटर और ग्रीन चिली, चॉप किया हुआ चिली। और मैं दाल को प्रेशर कुक करके रख दिया। अब मैं डालूंगी ऑयल, वाइट ऑयल। तेल गरम हो चुका है, अब डालूंगी जीरा, उसके बाद कटा हुआ लहसुन, अब डालूंगी चॉप किया हुआ प्याज, अब दे रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक। देखिए मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं दिया, चॉप किया हुआ दिया हूँ। अब इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई हो गया है, अब डाल रही हूँ कटा हुआ टमाटर। मैं पहले से पीस पीस करके कट के रखी थी, वही टमाटर अब दे रही हूँ। और इनमें डाल दूँगी ग्रीन चिली, चॉप किया हुआ ग्रीन चिली। फ्लेम को हाई करके, ओवन का फ्लेम को हाई करके इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये देखो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। इस कटोरे में हम मसाला बना के रखे हैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर एक साथ भिगो के रखे हैं। अब मैं इसी पेस्ट को कढ़ाई में डाल दूँगी। अब मैं उसको तब तक कढ़ाई में नाड़ती रहूँगी या ऐसे ही छोड़ दूँगी जब तक इससे ऑयल निकल के नहीं आएगा। ये देखो साइड से ऑयल आ रहा है, देखा। मैं और कुछ देर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब मैं ये बॉईल किया हुआ पूरा दाल को यहाँ पर डाल दिया। अब इसे बॉईल करने तक छोड़ दूंगी। बॉईल हो चुका, अब मैं इस पे डालूंगी चॉप किया हुआ धनिया का पत्ता। मेरे घर पे थोड़ी सी थी, मैं थोड़ी सी ही दे रही हूँ। जिन लोग धनिया पत्ता खाने में इंटरेस्टेड है वो लोग और भी थोड़ा सा दे सकते हैं। अब मैं दूंगी ऐसे करके हाथों पे क्रश करके थोड़ी सी कसूरी मेथी, और मैं दूंगी स्पून पे भर के देसी घी। घी से बहुत टेस्ट आता है, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा घी दे रही हूँ। और लास्ट टचअप है थोड़ी सी गरम मसाला। हम लोगों ने घी दिया है इसीलिए गरम मसाला थोड़ी सी देना है। अब मैं इसको थोड़ी सी बॉईल होने के लिए छोड़ रही हूँ ढक के। रेडी होने के बाद दाल का कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा ही होंगे।
ये देखो बन गया मेरी ढाबा स्टाइल तड़का। इसके साथ सिर्फ नींबू लगेगा। खाने के टाइम नींबू के रस से इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं तो बना के दिखा दिया ढाबा स्टाइल तड़का, ज़रूर बनाइएगा और कैसा हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए नमस्ते।